हम लोग आज नई एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे, जो कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई है उसमें बच्चों के हितों का बहुत ही ध्यान रखा गया है और शिक्षा को कहीं ज्यादा व्यावहारिक भी बनाया गया है। आज के समय में ये जो पद्धति है ये दुनिया के कई देशों में लागू है। हमारे यहाँ एक इस सिस्टम पर जो पढ़ाई होती रही उसकी कई खामियां सामने आई, उसके बाद से सरकार का ये निर्णय आया कि बच्चों की पढ़ाई को कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और बच्चों को उस लेवल पर शिक्षा दी जाए जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हों। तो ये टोटल जो सिस्टम है ये अब पहले 10+2 था, आपको याद होगा कि ये पहले 10+2 था और अब ये हो गया 5+3+3+4। 5+3 क्या हो गया, यहाँ हम लोग ये क्रम तो जान रहे हैं, ये हम हर चीज पे ये बात करें इसके पहले ये जान ले कि इसके अंदर के जो बदलाव हैं वो किस लिहाज से बहुत अच्छे बदलाव हैं। ये तो हो गया कि इस क्लास से उस क्लास में जाना है, उसके बाद बाकी विषय बच्चे पढ़ेंगे। प्राइमरी स्टेज पर जो बदलाव जिसको कि हम गौर करें कि वो क्या क्या बदलाव हैं, कि पहले सरकारी स्कूलों में नर्सरी LKG UKG जैसे कि आप प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं वो व्यवस्था नहीं थी, अब ये व्यवस्था होगी। अब ये बच्चे प्री स्कूलिंग भी करेंगे, प्री स्कूलिंग में आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये सुविधा उनको दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र अभी तक ये काम जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ही अच्छे से होता था जिसको कि हम सभी जानते हैं। अब ये सरकार की ओर से नई व्यवस्था के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी होगी और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी ये बच्चे जो हैं वो अपनी मदर टंग में सीखेंगे। ये बेहद जरूरी कदम और बहुत ही प्रभावी कदम होगा। पहले जब बच्चे स्कूल आते थे तो उनको एक अनफैमिलियरिटी या एक अजनबीपन लगता था, तो उनको पढ़ाई एक बोझ की तरह लगता था और पढ़ाई से छुटकारा एक बहुत सुखद अनुभूति मिलती थी उसके बारे में सोचकर। लेकिन जब बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करेंगे और ख़ास तौर पे जब उनके लैंग्वेज में समझाने की बात हो रही है तो ये पढ़ाई के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस भी सामने आएगा। कई बच्चे प्राइमरी स्टेज में ही ये उनका जो हुनर है उनकी जो प्रतिभा है वो उस समय में नहीं सामने आती है और इसमें लंबा इंतजार भी हो जाता है। तो ये जो है इनकी प्रतिभा भी सामने आएगी, अदरवाइज बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करने की वजह से एक तरह से कहें तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का पैमाना था उसी पर सभी चीज़ों को आका जाता था, अब ये नहीं होगा। तो ये एक बेहद अच्छी बात है, स्कूली शिक्षा को बहुत व्यावहारिक बनाना, क्योंकि मैंने कहा कि ये पहले ही कई देशों में लागू है और सिस्टम में आमूलचूल बदलाव करने का भी एक कारण यह है कि बच्चे स्कूल एजुकेशन तो पूरा कर लेते हैं और उनकी पढ़ाई भी कहें तो पूरी हो जाती है, लेकिन प्रोफेशनली या कहें कि व्यावहारिक रूप से इन्हें शिक्षा उनके किसी काम नहीं आती। तो हर तरीके से ये बदलाव किया गया है, असेसमेंट में भी चेंजेस है। ये एक बिल्कुल नई बात होगी कि अब बच्चे के परफॉर्मेंस का असेसमेंट जो है वो किस लेवल पर होगा। एक तो बच्चा खुद अपने आप को असेस करेगा, खुद अपने परफॉर्मेंस को वो खुद जज करेगा। दूसरा, उसके साथ पढ़ने वाला कोई अन्य बच्चा उसको जज करेगा, क्योंकि 24 घंटा रहते रहते मुझे लगता है कि इस बारे में अच्छा आइडिया अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है किसी के भी बारे में, है ना। तो दूसरा जो असेसमेंट है वो उसके साथ पढ़ने वाला कोई बच्चा करेगा और तीसरा जो फाइनल असेसमेंट है वो टीचर्स करेंगे। तो टीचर्स का जो असेसमेंट होगा उसमें इन दोनों का असेसमेंट, ये नई बात हुई ना, ये पहले तो नहीं था। तो ये चीज़ अब नहीं होने की वजह से इंटरेस्टिंग है और इस व्यवस्था में बदलाव की वजह से मुझे लगता है
कि टीचर्स को भी बहुत मजा आएगा जब वो बच्चों को इस तरीके से हैंडल करेंगी और पढ़ाई का बिल्कुल ही बदला हुआ जो नजारा है वो एक नए तरीके के अनुभूति हम लोगों को भी देगा। अब आइए कि सीनियर होने पर, सीनियर जो आपका ये 10+2 का जो सिस्टम खत्म हुआ, इनको 5+3+3+4 आप क्लासेस में बांट ले कि इसके बाद 3 के बाद जो यानी 5 साल के बाद जो 3 साल का है उसके बाद बच्चों को डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो ये जो +3+3+4 है, इस तरह करके जो स्कूल एजुकेशन है जिसको कि कंप्लीट करने की बात आ रही है, तो स्कूल निकलने निकलने तक बच्चे का जो अपना असेसमेंट है, टीचर का असेसमेंट है, उसके साथ पढ़ने वाले का असेसमेंट है, कुल मिला के ये उसका रिपोर्टिंग जो होगी, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी वो उसके पर्सनालिटी की रिपोर्ट कार्ड हो जाएगी और इस आधार पर उसको आगे के रास्ते में खुद के लिए कुछ चुनना या फिर उसका जो काउंसलिंग हो उस पर वो एकदम सही सही परफॉर्म करे, ये बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सेट पैटर्न पर जो कमियां हैं उसको सरकार ने भी महसूस किया और इस वजह से शिक्षा नीति को लागू करने की बात की भी है। बच्चों के ऊपर से बस्ते का बोझ भी कम करने की बात हुई, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, ज्यादा व्यवहारिक, लेस थियोरेटिकल एंड मोर प्रैक्टिकल, ये बनाने की बात हुई। तो ये एक तरीका है और इसमें एक प्रयास ये भी है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पढ़ाई में एडमिशन लेकर उन्होंने छोड़ दिया है वो सब फिर से आके पढ़ाई कर सके। यदि ये लेवल होगा तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करना पसंद करेंगे, स्कूल आना पसंद करेंगे। मुझे भी उस दिन का इंतजार है।